बोलते हैं, देख सकते हो भाई डैम्पिंग हो रखी है इसमें प्रॉपर, डबल लेयर की है भैया, गाड़ी पूरी खुली हुई है भैया, देख सकते हो इस तरह से डैम्पिंग हमारी चारों डोर हो चुके हैं, स्टेयरिंग पूरा ही भैया ने जो है चेंज कर दिया है, सही है। और ये देख सकते हो भाई, अभी गत्ते वगैरह लगेंगे ना, मैं आपको दिखाना भाई। ये देखो यहाँ पे सेंटर लॉक की कनेक्ट है, ये गाड़ी लॉक की, यहाँ पे ये बंद हो गया करना ओपन, गाड़ी अनलॉक की, यहाँ पे खुल गया, ठीक है। इसके अंदर भी आपको 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है, जो ऑटोमेटिक मिरर अप हो जाता है जैसे ही गाड़ी लॉक करोगे, ठीक है। वो अभी हम देखेंगे, अब गाड़ी रेडी हो जाएगी ना, तो एंड में ये स्विच वगैरह लगने के बाद इसके अंदर तब वो काम करेगा। तो ये पूरी स्विच, ये मैंने दिखा दिया आपको, ये पूरी स्विच, ये मिरर फोल्डिंग का, वो मिरर फोल्डिंग और मिरर एडजस्टमेंट वगैरह सारा है, लेफ्ट राइट का वो पूरा मैं आपको दिखाऊंगा एक बार, ये हमारी गाड़ी पैक हो जाए। ये हमारा बेस मॉडल वाला मीटर जिसमें सिंगल आता है ना, ठीक है। बाकी वो वाला दिखाई दिया मैंने आपको, टॉप मॉडल वाला मीटर, वो पुराना वाला व्हील, ठीक है। ये देख सकते हो भाई, ये पुराना वाला सिंपल सा व्हील, तो व्हील ही पूरा चेंज करा दिया, सही भी रहता है। आप रिमोट डलवा रहे हो, रिमोट डलते है हमारा 4000 का, 1500 डाल के अपना पूरा व्हील ही ले लो। फ्यूचर में आप वो अपने जो रिमोट डलवाए हो उसी पुराने वाले स्टीयरिंग पे रैप करवाओगे ऐसा, उसमें 1000 रुपए खर्चा आ जाता है, 5000 वैसे बैठ गया, ऊपर से वो कंट्रोल जो 4000 वाले लगवाते हैं वो सेकंड हैंड रहता है, तो 500 का ही फर्क है। हेडलाइट छोड़ के बाकी टू जेड सारा काम, हां वही मैं देखो हर एक चीज हो रही है, हाँ सब जेन्युइन है। और इसके अंदर आपको डिजायर बनी हुई आएगी प्रॉपर, ये नहीं की जो स्विफ्ट का लगा देते तो स्विफ्ट वाला मीटर चला बनी होती। मैं आपके लिए लेके आया हूँ डिजायर, काफी टाइम से हमारी डिजायर की वीडियो भी नहीं आ रही थी, कहाँ रखे भाई देख लो, शीतला कार एम्पोरियम। तो जी क्या काम करवा रहे हो भाई उस डिजायर में? सारा काम हो रहा है अंदर का, सीट कवर वो सब छोड़ के, क्योंकि वो कंपनी से लगा हुआ है। अच्छा, बाकी सारा सिस्टम का सारा काम है, डैम्पिंग वगैरह सब हुआ है, फिर मीटर, स्टीयरिंग कंट्रोल, पावर विंडो, साइड मिरर, ये सारा काम है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते, ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और अच्छा एक बात करते हैं, सीट कवर कंपनी वो तो सेमी बकेट होंगे, कंपनियां बकेट देते ही नहीं है, ये देखो, ठीक है। ये क्या यहाँ पे क्या लगा रहे हो भैया? गार्निश क्रोम लग रहा है, हैंडल में भी लगेगा? नहीं, हैंडल क्रोम तो जल्दी काला हो जाता है। अच्छा, हम रिकमेंड नहीं करते, अच्छा आपकी चॉइस है तो आप लगवा सकते हैं। बोलते हैं देख सकते हो भाई, डैम्पिंग हो रखी है इसमें प्रॉपर, डबल लेयर की है भैया, डबल लेयर डैम्पिंग हुई है, ओ सॉलिड है, ठीक है, मेगा सोनी की है। और ये हमारे देख सकते हो लीवर भी लग गए क्रोम वाले, टॉप मॉडल वाले। और स्पीकर वगैरह क्या डाले भैया? स्पीकर कौन सा ब्रांड डाला है? अच्छा हाइपरसोनिक के आगे लगे हैं कंपोनेंट, अभी इसमें ट्विटर वगैरह लग जाएंगे, और पीछे कॉक्सल, ठीक है। और बाकी गाड़ी पूरी खुली हुई है भैया, देख सकते हो इस तरह से डैम्पिंग हमारी चारों डोर हो चुके हैं, स्टेयरिंग पूरा ही भैया ने जो है चेंज कर दिया है, सही है। और ये देख सकते हो भाई, अभी गत्ते वगैरह लगेंगे ना, मैं आपको दिखा दूंगा, बाकी सारा ही काम हुआ है, फ्लोरिंग भी हुई है, ये जो इंटीरियर के साथ मैचिंग है भैया, फ्लोरिंग 70 मैट भी डाल दिए इसमें, बस सीट कवर कंपनी के, बाकी सारा काम इसमें हो रहा है। अभी ये भी चेंज होगा इसका डैशबोर्ड पट्टा, फ्लिप की भी बनेगी इसमें, ठीक है जी। ट्विटर सैश वगैरह भी देख सकते हो, अभी अंदर थोड़ा सा काम रहता है, तब तक बाहर आते हैं, तो बाहर की बात करते हैं, बाहर क्या क्या हुआ है देख सकते हो जी। बाहर हमारी लगी है फॉग लाइट, और ये अच्छा नॉर्मल हेलोजन ही रखा है, तो फॉग लाइट में भी हेलोजन ही होगा, वो भी मैं आपको जला के दिखा दूंगा। और इसके अलावा भाई अच्छा ये यहाँ पे क्रोम लग चुका है, ये वॉइजर लग चुका है, और यहाँ पे साइड में रह रहा है, ये साइड में करना दिखाना भाई। ये देखो यहाँ पे सेंटर लॉक से कनेक्ट है, ये गाड़ी लॉक की, यहाँ पे ये बंद हो गया करना ओपन, गाड़ी अनलॉक की, यहाँ पे खुल गया, ठीक है। और फिर ये मिरर भी खुद ही डाले होंगे, ये कहाँ आते हैं बेस मॉडल में? हाँ पूरा मिरर हमने पूरा चेंज किया, पावर विंडो की पूरी कनेक्शन वगैरह, ठीक है। और एक और चीज, इसके अंदर यहाँ पे हमने रिले भी लगाई है। अच्छा, ये जो रिले है आरडी की रिले है, इसके अंदर भी आपको 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है, जो ऑटोमेटिक मिरर अप हो जाता है जैसे ही गाड़ी लॉक करोगे, ठीक है। वो अभी हम देखेंगे, अब गाड़ी रेडी हो जाएगी ना, तो एंड में ये स्विच वगैरह लगने के बाद इसके अंदर तब वो काम करेगा। तो ये पूरी स्विच, ये मैंने दिखा दिया आपको, ये पूरी स्विच, ये मिरर फोल्डिंग का, वो मिरर फोल्डिंग और मिरर एडजस्टमेंट वगैरह सारा है, लेफ्ट राइट का वो पूरा मैं आपको दिखाऊंगा एक बार, ये हमारी गाड़ी पैक हो जाए, पूरा व्हील चेंज किया है। एक बात बताना, वो तो मैंने देख लिया था, मीटर भी लगा दिया, ठीक है, व्हील भी पूरा चेंज हो गया। ये उसका गियर नॉब नहीं लगा रहे क्या इसका? नहीं, गियर नॉब नहीं भैया, कोई अंदर का इंटीरियर ऐसे करना पसंद है वैसे। एक बार अभी हम पूछेंगे, पूछ रहे नॉर्मल सी चीज है, कितना काम हो रहा है, तो
और ये एंड्रॉइड कौन सा लगाया इसमें? साउंड ब्लास्ट का जो हमारा लगता है हमेशा। ये कौन सा 10 इंच वाला लगाया क्या इसमें? 9 इंच। अच्छा 9 इंच, ठीक है। साउंड ब्लास्ट का 2 साल की इसमें वारंटी रहती है ना? 2 साल की वारंटी रहती है, वो भी चेंजिंग की सीधा। ठीक है, हैंड टू हैंड चेंजिंग है? हैंड टू हैंड चेंजिंग है। और पीछे क्या है ये सब? अच्छा चलो एक बार पीछे आपको यहीं पे आप देख सकते हैं ये हमारा बेस मॉडल वाला मीटर, जिसमें सिंगल आता है ना। ठीक है, बाकी वो वाला दिखाई दिया मैंने आपको टॉप मॉडल वाला मीटर, वो पुराना वाला भी। ठीक है, ये देख सकते हो ये पुराना वाला सिंपल सा व्हील, तो व्हील ही पूरा चेंज करा दिया, सही भी रहता है। जहाँ आप रिमोट डलवा रहे हो, रिमोट डलते हमारा 4000 का, 1500 डाल के अपना पूरा व्हील ही ले लो। फ्यूचर में आप वो अपने जो रिमोट डलवाए हो उसी पुराने वाले स्टीयरिंग पे रैप करवाओगे ऐसा, उसमें ₹1000 खर्चा आ जाता है, 5000 वैसे बैठ गया, ऊपर से वो कंट्रोल जो 4000 वाले लगवाते हैं वो सेकंड हैंड रहता है, तो 500 का ही फर्क यार, 500। अच्छा सुनो, उसके बाद ये चीज तो मिलेगी नहीं उसमें? हाँ वो तो मिलेगी नहीं, है ना, ये टॉप मॉडल वाले। टॉप मॉडल 500 और डाल के मान के चलो, अगर आप रैप करवा रहे हो 1000 रुपये उसका लग गया, वो 4000 रिमोट हो गया, 5000 हो गया, 500 डाल के पूरा पूरा व्हील ही आपको मिल रहा है, सही है यार, है ना। और उसके अलावा और क्या क्या चल रहा है? पीछे कैमरा कुमरा कोई लगाया क्या इसमें? कैमरा अभी लगेगा। अच्छा, छोटी मोटी एक्सेसरीज हो गई, क्रोम लीवर वगैरह। हाँ वो देखा था मैंने, देखा था। हाँ वो लग चुका है ना, वो चारों साइड लग चुका है, चारों साइड लग चुका है, सेंट्रल लॉकिंग पूरी हो चुकी है। ये रहा सेंट्रल लॉकिंग का रिमोट, फ्लिप की वाली रिमोट है, इसके अंदर अभी चाबी, अभी चाबी बनेगी ना इसकी। ठीक है भाई, तो ये वो जो हम आरडी के लेते हैं वो उसी में मिलता है हमको ना? हाँ, दो आते हैं, एक सिंपल वाला आता है और एक ये वाला आता है। ये देखिए, ये सिंपल वाला हो गया और एक ये फ्लिप की वाला। हाँ मतलब एक सिंपल वाला भी आता है, उसमें क्या होता है हमको दो ये मिलते हैं, दो ये नॉर्मल रिमोट मिलते हैं, और एक फ्लिप की वाला का चाहिए उसमें आपको एक ये मिलेगा, फ्लिप की मिलेगा और एक ये मिलेगा, तो दोनों वाले अवेलेबल है, जो आपको चाहिए वैसे आप करवा सकते हो इसको। ठीक है, और ये हमारा ट्विटर अभी इसमें लग जाएगा ना? हाँ ये रहा। तो ये तो अभी खुल जाएगा ट्विटर सैश, इसमें मैं देख रहा हूँ लग रही है ना, ट्विटर सैश लगेगा इसके अंदर अभी। हाँ वहाँ पड़ी हुई, मैंने देखा था ट्विटर सैश भी इसमें लगेगी। और ये कौन से बेस मॉडल वाले करते हैं? अच्छा चलो आज आपको दिखा देते हैं पैकिंग। तो ये पीछे क्या हो रहा है? रिफ्लेक्टर डल रहे और ये बम्पर प्रोटेक्टर डल है क्रोम वाले। अच्छा क्रोम, ये काले वाले तो नहीं पड़ते? नहीं नहीं। अच्छा ठीक है भाई, अभी रिफ्लेक्टर लगे लग चुका है? हाँ यहाँ पे ये लग चुका है, अभी इसके अंदर कनेक्शन हो रही है। अच्छा अच्छा ठीक है, पूरी डैम्पिंग हुई है। ये देखो भाई पीछे वाली भी डैम्पिंग देख लो, डिक्की भी डैम्प हो गई है, डबल शीट लगी है हर एक डोर पे डिक्की को जोड़ के, तो टोटल इसमें कितने 10 शीट। ठीक है भाई, कैमरा वाला। तो भाई गाड़ी आप देख सकते हो पूरा इसमें काम हुआ है, भैया ने कुछ भी चीजें नहीं छोड़ी। अच्छा इसमें भी वो भैया जो लाइटें आपने दिखाई थी स्विफ्ट की हमने पिछली बार, तो डिजाइन में भी ऐसे ही आती टॉप मॉडल में? अच्छा सारा काम हुआ है, कुछ भी इसमें नहीं छोड़ा, एक गियर नॉब भी चेंज करवा दो भैया को। अच्छा होना है ना, क्योंकि मैं तभी कह रहा था एक छोटी सी चीज है वो नहीं करवाई भैया ने, गियर नॉब भी लगाया। अच्छा ये देखो, तो पूरा इसको बेस टू टॉप बना रहे, कोई भी लीटर लग चुका है इसमें। अच्छा ठीक है, तभी मैं सोचूं कि भैया ने उसमें एलईडी क्यों नहीं लगवाई। अच्छा लाइट ही चेंज करवाएंगे बाद में आके, उसके अलावा कुछ रहेगी ना पूरा? अच्छा इसका भैया वो जो पिछली बार हमने कहा था डैशबोर्ड फट्टा डिजायर का आ चुका है? अब मैं अभी नहीं आया है, एक अच्छा। चार दिन में आने वाला है वो, तो अच्छा लगा रखे हमने। ठीक है भाई, इसमें हेडलाइट छोड़ के बाकी ए टू जेड सारा काम। हाँ वही मैं देखा हूँ, हर एक चीज हो रही है। हाँ सब जेन्युइन है। एक बार हमको गत्ते भी एक बार खोल के दिखा देना इसके। हुआ है जैसे हम गाड़ी लॉक करेंगे, हाँ शीशे ऑटोमेटिक ऊपर हो जाएंगे। हाँ ये इसे बताया ना, ये आरडी की रिले वायर लगी उस चीज के, और इसमें भी एक साल की गारंटी दे रहे हो? ठीक है, तो जैसे वो बंद करेंगे अपने आप ऑटोमेटिकली शीशे बंद हो जाएंगे, वो हम आपको दिखा देंगे, पर गाड़ी पैक हो जाएगी ना, तो वो चीजें भी आपको हम दिखाने वाले हैं। जो क्रोम ये वाइजर भी लगे हैं कार्बन फिनिश में, इसमें क्रोम वाली भी आती है ना, इसको क्रोम वाले चाहिए। पर ये है कि जो डोर वाइजर में जो भी क्रोम रहता है ना, चाहे कोई सा भी ब्रांड ले लो, वो काला पड़ जाएगा। अच्छा तो इसीलिए ये लगवाए हैं, सही है। ठीक है, अच्छा ये भी लगी डोर बीटिंग डिजायर वाली, वो मैं आपको एक बार फाइनल दिखाऊंगा, गाड़ी पैक हो जाएगी ना, तो सारी चीजें एक बार एंड में फाइनल दिखाऊंगा। बिल्कुल फुल रेडी हो चुकी है, जैसे हमने शुरू में भी ये चीजें बोली थी कि इसमें भैया ने हर एक चीज कराई है, पूरा बेस टू टॉप बनाया है सिवा एक चीज के, इसमें एलईडी भी तभी नहीं लगाई क्योंकि क्या हेडलाइट चेंज कराने का है कुछ। अभी जैसे सर्दियों में क्या कुछ लोगों का माइंडसेट रहता है कि पीली लाइट वो धुंध को काटती है। अच्छा तो फॉग लाइट्स भी मैंने लगवाई है। हाँ। पीली लाइट से तो हेडलाइट अभी चेंज नहीं करवाया। ठीक है, तो भैया बोल रहे जब मैं अगली बार आऊंगा हेडलाइट से पूरा चेंज करवाऊंगा, तो अभी उसकी तो जरूरत है नहीं। और उसी साथ में प्रोजेक्टर इसमें भी आपको नीचे भी वो पीली करवा दी फिर भैया ने, नीचे फॉग लाइट्स में पीली आती है, वो चेंज नहीं करवाई ना। तो ये तो हमारे बेसिक ही है, एक बार फॉग लाइट जला देना, मिंडा डाली भैया, मिंडा ही डाली होगी, एक साल की गारंटी इसमें। चलो
बाकी डे टाइम है ये अभी ना, इसमें आपको इतना शायद अंदाजा हो नहीं रहा होगा, हल्का हल्का सा जीन्स पे आ रहा है क्योंकि ये येलो लाइट और उसका खैर बहुत फ़र्क होता है वाइट का आउटपुट का, थोड़ा सा फॉग की वजह से भैया इसमें जो है वो नहीं करवा पा। उसके अलावा चलते हैं गाड़ी के अंदर, आपको लेके चलते हैं कि भाई और क्या क्या हुआ है। ये देख सकते हो भाई साइड मिरर, ये इसमें जो है चेंज हो चुका है, वो मैंने आपको दिखा दिया था, एक बार फिर से हम इसको स्टार्ट वगैरह करके दिखा देते हैं, इंडिकेटर्स वगैरह। बाकी वही है कि भाई सेंटर लॉकिंग के साथ ये भी फोल्डिंग वगैरह हो रहा है, अंदर हमारे गत्ते जो लगे हैं उसमें ऑटो फोल्डिंग वगैरह एडजस्टमेंट वगैरह सब कुछ है, एक्टिव है, वो अभी मैं आपको अंदर जाके दिखा दूंगा। गाड़ी की ब्रांडिंग वाली डोर बेड़े, गाड़ी की सेफ्टी भी होती है और थोड़ी सी गाड़ी ना अच्छी भी लगती है साइड से इससे, ठीक है। व्हील कवर तो मेरे को कंपनी के ही लग रहे हैं, है ना, कंपनी वाले ही व्हील कवर है। अच्छा, कंपनी वाले नहीं, अपना मार्केट है, भैया ने लगवा रखे हैं। अच्छा, उसी टाइप के कुछ लग रहे थे। बाकी ये जो हमारा कॉर्नर बम्पर प्रोटेक्टर चारों साइड लगता है और इस क्रोम वाला है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी जैसे भैया ने पहले बोल दिया था। और इसके अलावा ये हमारा कैमरा लगा है, ये हमारा कैमरा लगा है, देख सकते हो रिफ्लेक्टर भी एक्टिव हो गए होंगे अब तो, एक बार आई उस जगह रिफ्लेक्टर आप देख सकते हो एक्टिव कर दिए भैया ने, चल रहे हैं। ये ब्रेक में भी चलेंगे ना, ये ब्रेक लगाना जरा इंडिकेटर बंद करके, ये देखो जी ये हमारे ब्रेक में इस तरह से काम कर रहे हैं, ठीक है भाई। और भैया उसको फिक्स कर रहे हैं अच्छे तरह से, पक्का काम कर रहे हैं भाई, जो बंदा आए तो सेटिस्फाई होके जाए। चलो तो ये हमारे मैट्रिक्स में प्लस ब्रेक में दोनों में काम कर रहे हैं, पीछे की प्रोफाइल हाँ वही मैट्रिक्स इंडिकेटर होते हैं। और हमारे गत्ते मैंने आपको दिखाया था लग चुके हैं टॉप मॉडल के। और एक और चीज़, जैसे आपने मिरर का दिखाया था बाहर से, मैंने एक हाँ। चाबी से दिखा दी थी हाँ। इसके अंदर यहाँ पे कर दिया। एक काम करो चारों शीशे खोल दो तो सारे काम करेंगे ना इसमें, तो तो एक बात बताना इसकी रिले चारों डोरों में लगती है खाली एक ही में लगती है उसी रिले लगती है ड्राइवर साइड पे, वो सबको कंट्रोल कर लेते हैं। मैंने भी सारे शीशे नीचे कर दिए, ठीक है। अब मैं बाहर आया हाँ, गाड़ी बंद की, ठीक है, गाड़ी हो गई लॉक, मिरर हो गया फोल्ड, ये शीशे बंद होने स्टार्ट हो चुके हैं भाई, आप देख सकते हो एक एक करके सारे शीशे बंद हो जाएंगे ऑटोमेटिक, ठीक है भाई। गाड़ी भी लॉक है, वो हमने आपको दिखा दिया था, मेरा भी कई बार होते बंदा भूल जाता है ना, तो सेफ्टी आपकी अपने आप हो जाएगी, गाड़ी की टेंशन वाली बात नहीं है। तो अब बाहर का तो पूरा दिखाई दिया हमने, ये नहीं लगा इसमें शार्क एंटीना, नहीं लगा भाई, शार्क एंटीना नहीं लगा। अच्छा चलो कोई नहीं, बाकी सबको तो हुआ है, अब अंदर चलते हैं, उधर से आता हूं। अंदर डोर हमने आपको दिखा दिए थे, वुडन वगैरह सब लगा हुआ है क्योंकि है हमारे टॉप मॉडल वाले। FM बंद कर देना भाई, ठीक है जी। और ये आप देख सकते हो भाई, ये हमारे लग चुके हैं क्रोम हैंडल्स वगैरह, तो ये ट्विटर से ऐसे लगा इसी के ऊपर वो कर दिया गया सेटिस। हाँ जी भैया ने, हमने ला के दिखाया कि ट्विटर अंदर लगेगा हाँ। तो भैया ने बोला नहीं ट्विटर देखने में बाहर से अच्छा लगता है मुझे। चलो ठीक है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, ये भी वैसे अच्छा लग रहा है, ये चीज भी अच्छी लग रही है। बाकी गाड़ी हमारी लॉक है। अच्छा ये हमारा एंड्रॉयड लग चुका है, ये पन्नी वगैरह हटाऊं की लगे रहे, तो क्या करना है, इतना हटा के इतना दिखा दूंगा। चलो ठीक है भाई, भैया चाहते लगी रहे पन्नी, सबकी अपनी चॉइस है, मेरे हिसाब से तो भाई हटा देनी चाहिए, कोई भी कुछ नया सामान खरीदता है उसको खुद हटाने में ज्यादा अच्छा लगता है। चलो भाई अनबॉक्सिंग भैया खुद करेंगे इसकी, मतलब इन द सेंस टच तो बड़ा स्मूथ है यार इसका, पन्नी में भी सही काम कर रहा है। अच्छा ये बैक गियर लगाना जरा दिखाना, क्वालिटी क्या दे रहे हो कैमरे में, कौन सा डाला HD कैमरा डाला इसमें, तो बड़ा क्लियर कैमरा है। ये है आपका साउंड ब्लास्टर का कैमरा, जिस ब्रांड का एंड्रॉइड है आपका। अच्छा अच्छा बहुत क्लियर कैमरा है भाई, आप देख सकते हो। और स्टेयरिंग खैर हमने दिखाई दिया था, ये तो पूरा पूरा चेंज ही करवा दिया, सही किया। मीटर भी देखो, ये डिजायर का ही मीटर है, प्रॉपर डिजायर का, स्विफ्ट में स्विफ्ट का। पिछले वीडियो में हमने ये चीजें आपको क्लियर की थी, देखिए यहाँ पे गेट खोलेंगे तो आपको ये पूरा डोर दिखता है ऐसे हाँ। और इसके अंदर आपको डिजायर बनी हुई आएगी प्रॉपर हाँ, ये नहीं कि जो स्विफ्ट का लगा देते तो स्विफ्ट वाला मीटर चला, तो बनी होती ना छोटी गाड़ी बनी होती। अच्छा इसके अलावा जरा पावर विंडो चलाना यार, ये हमारा बंद हो गया, ये मैं यहाँ से करता हूँ इसको, मैं नीचे मैंने खुद कर दिया, ठीक है बंद तुम करो यार। यहाँ पे ये देखो ऑटोमेटिकली ये पूरा नीचे जाता है, ठीक है। और उधर देखो यहाँ से मैं बंद कर रहा हूँ, ठीक है भाई देख रहे हो, इसे बंद कर दिया। अच्छा अब पीछे वाले भी चला दो यार, जरा पीछे वाले भी कर दो एक बार जरा, ये पूरा नीचे हो गया बंद हो गया, ठीक है अब पीछे वाला भी, ठीक है पीछे वाला भी
क्या पूरा क्या दिखाना, वीडियो छोटा कर रहे हो मतलब इस तरह से है। खैर और ये गियर नॉब, हाँ गियर नॉब जो आप बोल रहे थे वीडियो में, तो भैया मान गए गियर नॉब के लिए, तो ये गियर नॉब लगा दिया। कह रहे थे कि गियर नॉब चेंज हो रहा है, आ चुका था, आ चुका था, पड़ा हुआ था। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे मैं एडजस्ट करके दिखाऊँ आपको, ये मिरर देख रहे हो एडजस्ट हो रहा है, देख सकते हो भाई, एंटी ऑटोमेटिक फोल्डिंग, ठीक है बढ़िया। ये देखो करना फोन फोन फोल्ड अनफोल्ड करना इधर से, ये बंद हो गया, ठीक है भाई, और खोलो, ये मिरर खुल गया, ठीक है। अब अपनी साइड से जो एडजस्टमेंट करना, इधर से भी एडजस्टमेंट मैंने जो है आपको दिखा दिया, ठीक है भाई। और उसके अलावा हम जो बात कर रहे थे, एक बार ऑडियो सुना ना, स्पीकर कौन से डाले इसमें, हाइपरसोनिक कंपोनेंट और हाइपरसोनिक के कॉक्सिल, पूरा किट डाला है हाइपरसोनिक का इसके अंदर स्पीकर्स का, ठीक है। और बाकी एंड्रॉइड तो उसका डाला है, साउंड ब्लास्ट का, साउंड ब्लास्ट का एंड्रॉइड है, साउंड ब्लास्ट का कैमरा है। चलो अब ऑडियो सुनते हैं, अब म्यूजिक के आनंद लो, और इसके साथ हम ये भी चेक कराएंगे। खैर स्टीयरिंग ही पूरा चेंज हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा ये लिंक हो चुका है, ये नहीं कि ये नहीं, यहाँ पे ये मैंने म्यूट कर दिया, अब नेक्स्ट वगैरह तो तभी काम करेगा, और यहाँ पे कॉल आंसर वगैरह ब्लूटूथ वगैरह से, ठीक है। एक बार ऑडियो सुना दो, करो भाई, म्यूट भी कर दिया बटन के साथ, ठीक है जी। साउंड का भी मजा आ गया होगा आपको, उम्मीद करते हैं। बाकी भैया से बात करते हैं, है ना। अब इसका कब ला रहे हो डैशबोर्ड फट्टा, अगली वीडियो में, अगली वीडियो में आ रहा है पक्का, वो कह रहे हैं वो पापा ने तुम्हें कह दिया कि 3-4 दिन में आ रहा है डैशबोर्ड फट्टा, ऑर्डर डाल दिए पक्का। चलो भाई, तो भाई अगली वीडियो के लिए रेडी रहना, अगली वीडियो में आपको इसमें डैशबोर्ड फट्टा भी डाल के दिखाने वाले हैं। ये भी बन के आ चुकी है, ये देख सकते हो भाई, उस समय मैंने आपको दिखाया था कि बनने गई है, जाने वाली है, वो ये बन के आ चुकी है हमारी फ्लिप की, सुजुकी की बैचिंग के साथ। हैं जो मैंने डिजायर का काम दिखाया है। भैया कहाँ से आए हो आप? भैया हम रेवाड़ी से आए हो। रेवाड़ी से? हाँ, अच्छा, हरियाणा से आए हो, ठीक है। तो पहले भी आप यहाँ पे आ चुके हो फर्स्ट टाइम? पहले हम आए थे मतलब मार्केट में पता करने के लिए। अच्छा, तो लोगों से रेट वेट का भी पता किया। अच्छा, फिर कुछ लोग बोल रहे थे हमारे पास आधे पार्ट्स अवेलेबल हैं, फिर दूसरा कहीं से मंगवा देंगे, तो उन सब का देखा, फिर भैया से मिले हम, यूट्यूब पे भी भैया का रिव्यू हमने देखा था, अच्छा तो अच्छा लगा, भैया का रेट वगैरह भी देखा, हाँ सही लगा, काम की क्वालिटी भी ठीक ही है जी जी, तो अच्छा लगा ओवरऑल हमें परफॉर्मेंस जो है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो और भैया बात करते हैं, ऐसे आपने काम करा पूरा ही डिजायर को बेस टू टॉप बनवा दिया, हर एक चीज उसमें मैंने देखा है जैसे हो रखी है, तो आपने चेक की सारी जेन्युइन सामान जो इसमें लगा है? हाँ जी, सारा जेन्युइन सामान है, एमजीवी का है, ठीक है जी, सब सेटिस्फाइड है, मतलब सेटिस्फाइड है, दूर से हमारे जेन्युइन पार्ट्स है। हां ठीक है, ठीक है भैया। अच्छा और क्या कॉस्टिंग क्या आई भैया? कॉस्टिंग हम थोड़ा कम सोच के आए थे, पर यहाँ आके फिर क्या लगा कि मतलब ये लगता है ना कि भाई ये भी करवा लेते हैं, ये भी लगा लेते हैं। अच्छा, तो ओवरऑल ठीक ही रहा था हमारा। मेनली बाजार में आने से पहले ना ये प्लान होना चाहिए कि आप कराना क्या क्या चाहते हो। हाँ जी, इधर आने के बाद इतना अच्छा मार्केट, इतनी चीजें, ऐसी वैरायटीज दिख जाती है कि ये भी लगा ले, ये भी लगा ले, ये भी लगा ले। एस्टिमेटेड हम अराउंड 50 के आसपास सोच के आए थे, मगर ये थोड़ा अभी चीजें इतनी मिल गई तो अब चला गया बजट, अब चला गया। आज छुट्टी होने के कारण सिर्फ अलॉयस नहीं डला पाए, नहीं तो हमारी बिल्कुल। तो बाकी अभी कितना लगा फिर 50 का जैसे बजट था, अभी कितना लगा टोटल आपका इसमें? हमारा 84 के लगभग मतलब पूरा गया है, 84,000 के आसपास।
बाकी एलॉय जब लगाएंगे वो एलॉय का फिर अलग रहेगा, एलॉय छोड़ के डिस्काउंट भी दिया है इन्होंने हमें काफी। अच्छा, आप आइए लगवाइए और डिस्काउंट लेके जाइए। वैसे हम डिफेंस के थे, इन्होंने इस पे भी डिस्काउंट दिया। अच्छा जी, और एलएक्सआई टू जेडएक्सआई किया इन्होंने, इस पे हमारा काफी डिस्काउंट दे दिया। हाँ जी, हाँ जी, शीतला अपने शॉप का नाम है, आइए इधर अपना सारा काम कराइए। ठीक है, थैंक यू भैया, मतलब वैल्यू फॉर मनी आपको, वैल्यू फॉर मनी है बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू भैया।